गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी, क्लास 5। तो आज हम अपने क्लास 5 का चैप्टर 15 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बिसेन की दिलेरी। ठीक है, दिलेरी मतलब जब हम किसी के लिए अपना दिल खोल के रख देते हैं, मतलब किसी के लिए, जैसे सोनू सूद है, उनकी दिलेरी देखे, वो अपनी खुद इस पेंडेमिक में जो किसी के मदद के लिए नहीं आ रहा पर वो सबकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ही बिसेन एक लड़का है, उसकी दिलेरी के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो बता रहे हैं कि सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, मतलब पहाड़ों के पीछे जो सूरज निकल गया। 10 वर्ष का बिसेन घर से बाहर निकल आया। बिसेन की आयु है 10 वर्ष। रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फॉर्म से लगे सेबों को बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हो जाता है, ठीक है। बिसेन पगडंडी को फुटपाथ जैसा होता है, ठीक, पतला रास्ता, अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली के चलने की आवाज़ सुनाई दी किसे? बिसेन को। उसने इधर उधर देखा और उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक गोली नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज रही थी, ठीक है। तो पंछी घबरा गए थे और आसमान से गोल गोल चक्कर काटने लगे थे बिसेन से हमकर। बिसेन भी डर गया था और पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिसेन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उससे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत, मतलब सीढ़ी नुमा जिसमें सीढ़ी बनी हुई, ऐसा खेत, फलों के बाग साफ दिखाई दिए। सीढ़ी मतलब ऐसे खेत दिखे, एक के नीचे ऐसे जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, तो खेतों में काम करते किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी हुई थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिसेन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक गोली की आवाज़ सुनाई आवाज़ आई। एकाएक बिसेन की गोली चलने का कारण समझ में आ गया। बिसेन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तो गेहूं के खेतों में दान चुगने ढेरों तीतर आते हैं, तो शिकारी इस बात को जानते ही हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह से बहुत सारे तीतर मारे। कुछ तीतर तो वे उठा लिए गए, बाकी वो छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले थे। बिसेन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं शिकारी, ठीक है। तो वह समझ गया था कि शिकारी तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। कौन? बिसेन। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो तभी उसके पाँव के पास सरसराहट हुई, मतलब उसके पाँव में सरसराने की आवाज़ आई। उसने देखा एक घायल तीतर क्या गेहूँ के बेलियों के बीच फंसा झटपटा रहा था। बिसेन वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत की ओर अंदर को चला गया था, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया? बिसेन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा, मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया था तो बिसेन ने उसे पकड़ लिया। बिसेन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया, मतलब उसे अपने सीने से लगाया और खेत में से निकाल कर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए। कौन? बिसेन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़ भी थी, ठीक है। जो क्या कहते हैं लोग अक्सर अपने खेतों के आसपास चारों ओर लगाते हैं ना, तो बिसेन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वो दोनों हाथ से तीतर को पकड़े हुआ था। तो अब वो तीतर को संभालता कि वो वहाँ से बाहर निकलता, तो उसके लिए तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वो खेतों के साथ साथ छिपकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे ना देखे। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, ठीक है, किसे बोलो। लेकिन बिसेन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता है। रुकता है या नहीं उस आदमी दोबारा चिल्ला कर। तब तक बिसेन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, आगे बढ़ने मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिसेन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तो तेज़ी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से रहा गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, कौन? शिकारी। मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरे शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिसेन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते कांटेदार झाड़ियों, खेतों के आगे रास्ते में क्या थी, काटेजार झाड़ियाँ थी, तो बिसेन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पाँव पर कांटों की बहुत सी खरोंच पर
खरोंच लगी हुई थी। किसके हाथों पर? हाथ पैर पर बिशन के। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी कोने से फिसल कर नीचे पहुँचा जाए। वह सोचा, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन थी। बिशन थक कर वहीं पर एक किनारे में बैठ गया। वह बैठा था कि उसे पाँव की आहट आने लगी। ठीक है, आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह काफ़ी पार आ चुका था, पहाड़ी के पार। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, मतलब गीले हो गए थे, फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुँच ही गया था वो। ठीक है, पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था, पीछे का दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुँच गया। तीतर के वहाँ वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाया हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी, मतलब सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ भी अभी अपने दड़बे में नहीं थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब अल्सेशियन कुत्ता और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता था। ठीक है, वह इधर ही आ रहे हैं, इससे इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड़ के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है, उसने सोचा, और उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। ठीक है, तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि बाहर चलकर देखना चाहिए उसे, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर बैठकर बैठना ही ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ने के उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस सेट की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। ठीक है, तो बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर पहुंच गया। खपरेल को की छलावदार छत थी। ठीक है, वो खपरेल की छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह सब कुछ नहीं देख सका। उसने देखा दो शिकारी इधर ही चले आ रहे थे और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंका। ठीक है, कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना। पिछले दोनों पाँव पर खड़ा हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। ठीक है, तो वे दोनों शिकारी करीब आ गए थे तो कर्नल ने रबदार रावण ने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों को बोले आवाज गुजरी थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक से उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी भी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर अपने यहाँ छुपाया, आपके यहाँ छुपाया, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो जाने इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल पूछा। तीतर सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, इधर ही कहीं छुपा। कर्नल दत्ता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, गुस्से से, कैसे हो तुम लोग, हर साल ये तीतर मार डालते हो, कुछ खा लेते हो और बाकी के घायल करके वहाँ तड़प तड़प को मारने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेर मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांटेंगे। कर्नल दत्ता ने इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोला, पक्षियों को मारना और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुर नहीं। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते हो क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन भी रहा था। दोनों शिकारी बिना कुछ मोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा और तभी बिशन छप्पर से शेड़ पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीते को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, या वह जख्मी आकर देखिए। ठीक है, तो बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाले का तू ही था, क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना आता तो मर जाता, अब तो इसका क्या करेगा, इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके, जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़ कर दवाई का बक्सा लाया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई, पंखे को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। किसने बोला?
दवाई लगा दी और पंख को फैला कर टेप लगा दिया था ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा कि उसने कर्नल दत्ता ने कि अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते वह बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है, तब तो ये बिशन के पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन के अपने हाथों को मुँह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर ठहाका मारना मतलब जोर की हंसने लगा। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। तो ये पाठ किसने लिखा था? प्रतिभा नाथ जी ने, ठीक है। तो अब हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, क्या क्या और है। रुकिए, कहानी से अभी क्या बोला आपको कहानी में? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है सर, पर माधु सिंह भी जानते थे। कहा कर्नल साहब से ऐसा क्या सोच कर कहा होगा? देखिए कर्नल थे वो, है ना। अब वो कर्नल है, वो कानून जानते हैं। अगर वो गैर कानूनी काम करते तो पकड़े हो जाते, उन्हें डांट भी पड़ सकती थी और उन पर शायद कोई सख्त वो भी क्या है कोई सख्त कार्रवाई भी हो सकती थी। और उनका ओहदा जानते हुए उनने क्या करा, अधिकारियों ने ऐसा बोला, ठीक है, उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूकें बनी है। बिना घायल तीतरों को क्या क्यों बचाना चाहता था बिशन क्या था? घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया, वह उसको घायल अवस्था में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे उठा लिया और उसको घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानी हुई? घायल तीतर को बचाने के लिए क्या करा? उसने बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारी से बचने के लिए उसे कटीले तारों की बाड़ में से होकर गुजरना पड़ा। उसके घुटने के बल भी क्या हो गया, चढ़ना पड़ा। बहुत संभलकर उसने चलने पर उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोचे भी आई। खरोचों से खून भी निकलने लगे। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई जिनके कारण माँ से डांट खानी पड़ सकती थी। उसने चिमनी के पीछे छिपना पड़ा। तीतर को बड़ी मुश्किल से एक टोकरी में छुपा दिया उसने। घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम क्या करते? उसे पालते या छोड़ देते? क्या करते आप? वो तो आप पे है, तो आप खुद करेंगे इसे, ठीक है। अब भाषा की बात है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। पहले सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे। सुबह की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी, वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लगे हों। प्रश्न दो क्या है? तीतर स्वेट में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया, ये बोला गया है, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, एक ही संज्ञा के बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी क्या बोल रहे हैं, एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय कहाँ गया वो, एक मिनट, उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मास्टर साहब ने अपराओ को अपने पास बुलाकर कहा, क्या पहले ही आएगा अपना, अपने पास बुलाकर कहा मैं तुम कल को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम मैं कल घर आना, कहा तुम कल मेरे घर आना, ठीक है, अपने तुम, ठीक है। फिर क्या हुआ, ख सेंटिला घर नागालैंड के किस शहर में है? सेंटिला घर कहाँ है? सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में? और सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा कितने आपसे कितने बड़े हैं, ठीक है। मोहन को समझ में नहीं आ रही कि वह क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक पे जाना है, ठीक है। इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतने धीरे चल रहा था मानो तो क्या करो, चीटी चल रही हो। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में दूधिया चादर बिछा हो।
तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम वहाँ के निवासी हो। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी उसे। अब क्या फसलों के इर्द गिर्द, इस कहानी के सेबों के खेत और सिटी नुमा खेल का जिक्र किया, खेत का जिक्र किया। अनुमान लगा कर बताओ कि कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। यहाँ कहानी भारत के पहाड़ी इलाके, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि होती है, ठीक है, जो समान, तो वहाँ पहाड़ों को यथासंभव काट काट कर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में बारिश का पानी फसलों के बीच टिक जाता है, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ भी पिघल कर फिसल जाती है और खेती बर्बाद भी नहीं होती है, ठीक है। सेबों के बाग, कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। ये तो कीटनाशक दवाएं फलों सब्जियों और आज कीड़ों पर लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इनमें इनका सेवन करने से क्या नुकसान भी होता होगा पता करो और कक्षा में बातचीत करो। ऐसे में फसलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान जरूरी रखना चाहिए। देखिए अब इसमें बोला है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो कीटनाशक फलें और सब्जियों को कीड़ों से बचाती है, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जहाँ तक संभव उनके छिलके उतार लेने चाहिए। तुम्हारे आसपास, हमारे आसपास के बोल रहे हैं, तो क्या बोला है इसमें। पहला, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखे गए तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, सगवान, केला, तेजपत्ता, अमरूद। अब किस किस के लिए यूज़ होता है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ तथा चाय बनाने, नीम फोड़े फूसी निकलने पर नीम की पत्तियों को पानी उबालकर उसे पीने से नहाया जाता है और पत्तियों को पीसकर घाव पर लेप। मीठा नीम सब्जियों तथा दाल को अधिक जायकेदार बनाने में मीठा नीम की पत्तियां काम आती है, ठीक है। आम पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग होता है। अमरूद दवा बनाने में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल। तेजपत्ता सब्जियों को जायकेदार बनाने के लिए उसका प्रयोग होता है। केला पूजा पाठ में केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। सागवान इनके पत्तों से दानों तथा पत्तल बनाए जाते हैं, ठीक है, दोने और पत्तल, सॉरी। प्रश्न दो क्या है। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। देखो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रूई, डेटॉल कैप, क्रेप बैंडेड, छोटी कैची, घाव पर लगाने के लिए मलहम पुट्टी, पुदीन हरा आदि चीज़ें होती हैं। और तुम इसका इस्तेमाल कब कब किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग जाती है, शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगती है, ठीक है। पहाड़ी इलाका क्या है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि, और शब्द सोच के लिखने हैं। देखो तो अब क्या करोगे इसके लिए, आप पथरीली चोटी, सीढ़ी नुमा झाड़ी, टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी, नदी, बर्फीला पहाड़, शंकर आदि, ये तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तीतर क्या है। पहेली, तीतर को दो पीछे तीतर, तीतर को दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तीन तीतर है ना, क्या बोला है। पहले तीतर के दो आगे तीतर, पहला तीतर है उसके दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, एक तीतर के पीछे दो तीतर, तो कितने तीतर, तीन ही तो है। यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है और गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम्हें यह कर चुके हो। देखिए आप चौथी कक्षा में कर चुके हैं, आपको यही चीज़ पे दोबारा करना है, ठीक है। तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला क्या खाता है आदि। अब तीतर क्या खाता है, ये क्या करता है, वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। चलो ये पाठ, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में। धन्यवाद।